ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी की वार्ड 58 की पार्षद अपर्णा ताई पाटिल अब अपनी ही सरकार के एसपी के खिलाफ धरना देने की बात कर रही। उनका दर्द है कि नाका चंद्रबदनी स्थित अंग्रेजी और देसी शराब के दुकान के बगल से संभागीय आयुक्त कार्यालय को जाने वाली सड़क पर दोनों ओर शाम ढलने ही शराबियों के अघोषित अहाते खुल जाते हैं, जहाँ लोग खुलेआम शराब का सेवन करते हुए देखे जा सकते हैं। आदरणीय एसपी महोदय जी, मैं खड़ी हूँ वार्ड 58 चंद्रवती नाके से लेकर ये संभागीय कार्यालय हरिशंकरपुरम के लिए जाने वाले रोड पर। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सारे मध्य प्रदेश के अहाते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन देखिए आपके राज्य में ये क्या चल रहा है। पूरी रोड पर ये पूरा रोड देखिए, आहाते ही आहाते आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है आहाते बंद करवाने की, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं सात दिन के अंदर तो मैं आपके एसपी ऑफिस में आकर बैठ जाऊंगी। यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, यहाँ से निकलने में उनको शर्म आती है, उनको लज्जा आती है। ये रोड हमारे जनता के लिए डिनर के बाद वॉक करने के लिए लगा था कि बहनें हमारी निकलेगी वॉक करेगी, लेकिन बहनें हमारी यहाँ पे शर्मा जाती है, यहाँ से निकलने में भी उनको कष्ट होता है। बच्चियाँ कोचिंग से आती है तो वो मुझे फ़ोन करती है, कहती है कि यहाँ से कोचिंग के लिए निकलना भी मुश्किल है ताई। आप बताइए आदरणीय एसपी महोदय, क्या आपके राज्य में ये सब कुछ होता रहेगा। मैं आपको फिर 7 दिन का समय दे रही हूँ। है उन्होंने कहा है इनकी रोड पर लोग बैठकर शराब पी रहे हैं, जो सीएम ने जो आदेश दिया था आते जरूर बंद कर दिए थे इसी सुरक्षा, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि सड़कों पर बैठ के लोग शराब पी रहे हैं। देखिए अभी मेरे द्वारा भी निर्देश दिए गए, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। अभी चूँकि त्यौहार चल रहे हैं, इसमें तो मूलतः यह तो बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति रोड पर शराब नहीं पिएगा, और इस संबंध में मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को ये बताया गया कि कोई भी थाना प्रभारी इस प्रकार की कार्रवाई में अगर उस संलिप्त कोई ठेकेदार पाया जाता है उसमें 34-2 की कार्रवाई करें, और ये भी किया बोला गया है कि अगर कोई पाया जाता है, अगर कोई भी 34-2 की कार्रवाई करता है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ लोक हित में ठीक नहीं है। इस संबंध में पूर्व में निर्देश जारी किए गए, और चूँकि आप लोगों ने पुनः आज इस ओर ध्यान आकर्षित किया तो मैं पुनः आज निर्देश जारी कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर इस प्रकार की अगर शराब पीता है तो हम लोग जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई करें।